हेलो दोस्तों, मैं हूं नबील मुनीर और आज हम बात करेंगे अपने मोबाइल में यूडी डिक्शनरी इस्तेमाल करने पे, जिसमें डायरेक्ट आपको कोई भी ट्रांसलेट करना होगा वर्ड, तो आपको कहीं गूगल्स में सर्च करने या डिक्शनरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने मोबाइल में व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर करेंगे क्या, आपने जस्ट इसे कापी करना है तो आपकी ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसे ये ऊपर लिखा है हो आर यू, तो हम इसे जस्ट कापी करते हैं यहाँ से और उस पर ऊपर वाले जो सेलेक्ट करके ऊपर जो निशान है उस पर कापी वाला बटन, उस पर क्लिक करते हैं। देखें ऊपर से हमारी डिक्शनरी आ गई है, हो आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसे यहाँ से न्यू करके यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ तो उस पर सर्च पे दबाएंगे, देखें आई एम फाइन, इसे कॉपी करके और हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसको सिंजी को यूज़ कर सकते हैं। आप करें ये कि हमारे चैनल को उर्दू टैक के नाम से सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब के ऊपर बटन पर क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो साथ बेल का आइकॉन एक प्रेयर होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आती रहें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको करना है कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है यू डिक्शनरी इंग्लिश टू उर्दू। आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले ये देख लें, आइकॉन देख लें, यू ट्रांसलेट के नाम से आ रहा है, यू डिक्शनरी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट। आपने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसकी 4.5 रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। 4.5 बहुत अच्छी रेटिंग होती है किसी भी ऐप के लिए, तो आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करेंगे, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ, तो मेरे पास आपके पास ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। चीज़ कुछ परमिशन मांगेगा फ़र्स्ट टाइम आप करेंगे, तो उसके बाद आपके पास ये डिक्शनरी आ जाएगी। आपने करना क्या है, एक तरफ आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, एक तरफ वो उर्दू सेलेक्ट कर लेना है, ऐसा वो लैंग्वेज जो आप यूज़ करना चाहते हैं। हाँ, उस पर क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज ओपन हो जाएंगी, उर्दू वाली साइड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह में भी लैंग्वेज ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसकी सेटिंग करनी है, इसमें सेटिंग्स में आना है और आपको इसमें कॉपी टू ट्रांसलेट वाला ऑप्शन ये जो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है और ये इंस्टेंट आपके ना क्लोज होगा, सेकेंड वाला इंस्टेंट कॉपी टू ट्रांसलेट। ये पहले आपको फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड करेंगे तो ये क्लोज़ होगा, ये बंद होगा, आपने इसे ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे आपकी डिक्शनरी यूज़ करने के लिए रेडी है। अब आप किसी भी फाइल में कहीं भी जाके इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम अपने व्हाट्सएप पे आते हैं दोबारा, देखें ये मैंने कॉपी किया, व्हाट आर यू डूइंग, ये ऊपर आ गया, इसके साथ ही उसकी ट्रांसलेट करके आपको शो कर देगा आप क्या कर रहे हैं। उसमें मैं लिखता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, चलिए लिखते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, और ये सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो उसकी जो इंग्लिश है आई एम स्टडिंग, उस इंग्लिश आ गई, इंग्लिश को हम कॉपी करके तो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और उसे रिप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।